आजकल के बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कई महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित पीरियड्स की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभार अगर आपकी पीरियड्स की डेट आगे पीछे हो जाए तो टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर हर महीने पीरियड्स की डेट बदल रही है, पीरियड्स लेट या समय से पहले आ रहे हैं या महीने में दो बार आ रहे हैं तो टेंशन की बात है, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की रिसर्च बताती है कि 14-25% महिलाएं इरेगुलर पीरियड से पीड़ित हैं। वही जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में पब्लिश एक आर्टिकल के मुताबिक जो महिलाएं रात में 6 घंटे से कम सोती हैं, उन्हें 7-9 घंटे सोने वाली सेहतमंद महिलाओं की तुलना में हैवी ब्लीडिंग या अनियमित पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है वक्त रहते अनियमित पीरियड्स का इलाज। आज के हेल्दी नेशन के इस एपिसोड में हम इरेगुलर पीरियड्स पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शौर, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स क्या है, कितने दिनों तक पीरियड्स का मिस होना सेफ और नॉर्मल है। इरेगुलर पीरियड्स में क्या हो सकता है कि आपके पीरियड्स यूजुअली जो साइकिल होती है वो 28 दिन से 34 डेज के बीच में या ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। अगर आपको एक ही महीने में बार बार महीना आ रहा है, ठीक है, तो वो इरेगुलर पीरियड हो गया है। अगर आपको जल्दी बार बार महीना आ रहा है या लेट काफ़ी महीना आ रहा है या एक दो महीने स्किप करके महीना आ रहा है तो वो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए डॉक्टर से इसका कारण भी जान लेते हैं। देखिए, पीरियड्स की एक रेंज है जब मेनार्की आता है, जैसे कि करीबन पेशेंट्स का 11-12 की उम्र में पीरियड्स आने शुरू होते हैं और ये 40 के बाद में 55 तक कभी भी लास्ट कर सकते हैं, मेनार्की टू मीनोपॉज। इस बीच में जब भी पिट्यूटरी एक्सेस या जो मस्तिष्क की जो ग्लैंड है जो उसको कंट्रोल करती है वो इनिशियली वीक होती है या प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं होती तो डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही मीनोपॉज के आसपास उसके ग्लैंडुलर या हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो महावारी है उसमें अनियमितता देखने को मिलती है। तो दोनों तरफ में हमको उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हार्मोन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको सपोर्ट देना होता है, या कभी कभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या मिडिल एज फीमेल्स हैं उसमें जो पिल्स हैं उनके इनटेक, कॉन्ट्रासेप्शन बच्चे ना लगें इससे संबंधित, या कभी रिपीटेड अबॉर्शंस या थायराइड की दिक्कत या इन्फेक्शंस इनसे संबंधित भी कई बार पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, या बहुत बार मेडिकल इश्यूज होते हैं जो कि महावारी को अनियमित कर देते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया या हाइपरटेंशन, इन सब से भी कई बार चेंजेस आते हैं, तो उनको भी हमें साइड बाय साइड डिटेक्ट करके ट्रीट करना होता है। अगर बार बार पीरियड्स इरेगुलर या अनियमित हो रहा है तो क्या ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, डॉक्टर का इस पर क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मिडिल एज फीमेल के लिए अगर पीरियड मिस होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें प्रेगनेंसी के लिए डाउट होता है कि वो उसको हमें देखना चाहिए। बाकी एज ग्रुप जो अर्ली मेनार्की यानी पीरियड शुरू हुए या ख़त्म होने वाले हैं उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी लेट हो जाता है, तो उन लोगों में इतना ज़्यादा ट्रबलसम नहीं है, लेकिन मिडिल एज फीमेल के लिए तो प्रेगनेंसी हमेशा रूल आउट करना ज़रूरी होता है, या फिर उससे हार्मोनल अनियमितता से अगर गांठ बन रही है अंदर, रसौली बन रही है या फिर सिस्ट बन रही है, कई बार उससे भी सेकेंडरी चेंजेस मतलब उसकी वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीरियड्स टाइम पर आए, पीरियड्स की साइकिल जो है वो सही से रहे, इसके लिए जरूरी है आपका हेल्दी रहना। ऐसे में कारण पता चलने पर बेहद जरूरी है वक्त रहते इसका इलाज। डॉक्टर इसका क्या इलाज बताते हैं आइए ये भी जानते हैं। एक इरेगुलर पीरियड्स अगर आपका इट्रोजेनिक है, मतलब कि वो उसका कॉज आपको डिटेक्ट नहीं हो रहा है या किसी रीजन से आप नहीं जा पा रहे हैं अपने डॉक्टर को, बेस्ट तो ये है कि आप अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। लेकिन अगर नहीं है तो आप अदरक का सेवन कर सकते हैं, मतलब 3-4 टेबल स्पून अदरक को अगर आप लेते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अदरक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको मेंस्ट्रुअल मतलब कि जो आपके पीरियड्स के दौरान का पेन है उसमें भी काफ़ी आराम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सिनेमन, इलायची इज़ वेरी गुड। यूट्राइन टॉनिक जैसे मैंने आपको बताया था, उसको आप एक जैसे आपने कप में
हाफ कप आपने फिल किया है लूक वार्म वाटर गुनगुने पानी के अंदर, आपने 2 चम्मच यूट्रोटॉनिक दिन में 2 बारी लिए है अगर 3 महीने के लिए, तो वो भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है अगर आपकी कोई मेजर बीमारी ना हो पीरियड्स को रेगुलेट करने में। बाकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, या बाकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू क्या डायग्नोसिस बनता है तो उससे रेगुलेट हो जाता है। किसी भी बीमारी या तकलीफ को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम सबकी ये कोशिश रहती है कि हम इसे घर पर ही ठीक कर लें। चलिए डॉक्टर से पूछते हैं कि अनियमित पीरियड्स का क्या कोई घरेलू उपचार भी है। घरेलू उपचार में हम सिर्फ ये बोलेंगे कि एक डाइटरी पैटर्न, स्लीप पैटर्न, लाइफस्टाइल जो अपना एडॉप्शन है वो हेल्पफुल होता है इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में। जैसे हम बोलेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जो आपकी मासिक लॉस है उसमें आयरन डेफिशिएंसी को कवर करे, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपके एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं उनको रिड्यूस करे जो कि आपके हार्मोन को एक रेंज में रखे, उसकी अनियमितता अगर हो गई किसी हार्मोन की एक्सेस हो गई तो वो इम्बैलेंस करेगा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइट में तो जंक फूड कम लें, शुगर इनटेक कम लें, अच्छा हाइड्रेशन लें यही और अच्छी प्रोटीन डाइट, ये आपको पीरियड नियमित करने में बहुत मदद करता है। डॉक्टर द्वारा बताए गए घरेलू उपचार को अपनाकर आप अपने घर पर ही अनियमित पीरियड्स को ठीक कर सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में जहां बात होगी पीरियड्स के दौरान निकलने वाले खून के बारे में। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।